इसके आगे दो तीन चीजें छूट गई हैं, खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल हैं, सिट्रिक, इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं, इनके साथ हमेशा दही लस्सी आदि आदि ले सकते हैं। खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं। आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है, इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं। बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है, सेब एक्चुअली एल्कलाइन है, तो वो दूध के साथ खा सकते हैं। गाजर है, सेब है, दोनों एल्कलाइन है। मूली एसिडिक है, मूली दूध के साथ नहीं खा सकते। गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं। जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए। ये एक ही एक्सेप्शन है, कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्कलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है, ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण ये है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टरबेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और एक दो चीज